अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। मैं आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाना, और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं बहनों के हमारे समूह आत्मनिर्भर भारत को गति दे। साथियों, कुछ बिहार हो, अलीपुर द्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। बांग्लादेश के साथ व्यापार कारोबार करना आसान हो, कानूनी तरीके से वहां आना जाना आसान हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार CAA लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना, ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके अजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है, आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं,
लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, टोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा, लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं।